हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्साइड 2.3 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग द डिविजन एल्गोरिथम। मतलब हमें देखना है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। देखो, जब हम डिवाइड इससे हम डिवाइड करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। देखो हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमें डिवाइड देना है इससे, किसको, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड देना। देखो हम जब डिवाइड देंगे, अगर हमारा रिमाइंडर इसमें 0 आ गया तो ये क्या होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगा, फैक्टर होगा सेकंड का। अदरवाइज अगर रिमाइंडर बच गया तो नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x की पावर 4 है, मेरे को एक्स स्क्वायर क्या किसने को मल्टीप्लाई कर 3x स्क्वायर करूँगा तब जाके 3x की पावर कितना है, 4, 2a और 2a, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 3x की पावर 2, तब ये हो जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब इससे 3x इंटू 3x की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 9x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के साथ इसे करेंगे तो क्या बचेगा, वही बचेगा, और प्लस में तो प्लस में आएगा कितना, 1 3x की पावर 2। अब देखो यहाँ साइन चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, ये ख़त्म हो रहा। 9 में से 5, देखो 9 बढ़े गया कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 9 में से 5 गए कितना बचेगा, 4x क्यूब, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस है प्लस, लेकिन साइन माइनस का था, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है लेकिन साइन किसका, माइनस, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वाला जो पहले वाला साइन होता है ये यहाँ आ जाता है। ओके, अब मुझे कितना चाहिए, 4x क्यूब, यहाँ क्या नाम है, एक्स स्क्वायर, पहले तो 4 चाहिए, क्यूब चाहिए तो 1, 2 तो यहाँ 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको करो तो ये माइनस 4x क्यूब ही आ जाएगा। अब 3x इंटू माइनस 4x कितना, माइनस 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का करेंगे तो माइनस है पहले, तो माइनस 1 और ये कितना, 1 4 जो 4x, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ये तो ख़त्म हो रहा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का साइन, 12 के आगे प्लस है तो प्लस का साइन, कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 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 होता 6x प्लस 2। अब यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो ये वाला साइन पहले यहाँ प्लस, तो 2, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में, 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा, 6x और 1 2 जा 2, ये देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस पूरा कट रहा, रिमाइंडर कितना 0, तो ये क्या होगा, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, तो एक और देख लेते हम, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 हमें डिवाइड करना है किसको, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 5 चाहिए, तो मुझे 2 और चाहिए, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हमारा 5 आ जाएगा। अब देखो माइनस 3x वाला और इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 3x क्यूब, अब 1 का x से करोगे तो वही आएगा, तो 1 का करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये माइनस, ये तो ख़त्म, ये प्लस, ये माइनस, 4 में 3 जाएगा तो x क्यूब बचेगा, बढ़े के आगे माइनस तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बढ़े के आगे प्लस माइनस, ये तो ख़त्म हो रहा सीधे, प्लस माइनस ख़त्म हो रहा, 3x प्लस 1, देखो ये वाला माइनस यहाँ, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक्स क्यूब 3 1 जा 3 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और 1 1 जा 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 है तो यहाँ हमारा प्लस 1 है। ठीक है, ये माइनस में आ रहा माइनस, तो यहाँ देखो ये प्लस खत्म, ये माइनस खत्म, ये प्लस, कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके,